हर रोज हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर, हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई। नमस्कार, मैं विशालाक्षी दुबे जन जागरूकता मीडिया से आपका स्वागत करती हूं। बिना ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किए अंतर्राष्ट्रीय श्रीराम एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ाने की फिराक में थे अफसर, लेकिन जब एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों में पानी भरा दिखा तो अफसरों को पसीना छूट गया। अब जिम्मेदार अफसर कह रहे हैं कि दिसंबर तक जहाज नहीं उड़ पाएगा, जैसा कि पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दावा किया था। नए सिरे से बनाने में वक्त लगेगा और मार्च 2023 तक उड़ान भरने का लाइसेंस हाई अथॉरिटी से लेने की कोशिश करेंगे। दरअसल बीच में हुई बारिश ने सारी पोल खोल दी। इस बारिश की वजह से एयरपोर्ट के कुछ हिस्से में जलभराव से झील जैसा नजारा बन गया था। अब अफसर दबी जुबान से कह रहे हैं कि मार्च 2023 तक कार्य पूर्ण कर उड़ान के लिए हाई अथॉरिटी से लाइसेंस लेने की कोशिश करेंगे। भविष्य में इससे बचने के लिए लगभग 50 करोड़ की लागत से 24 किलोमीटर लंबा ड्रेन निर्माण कराने का खाका सिंचाई विभाग ने खींचा है। ड्रेन निर्माण के लिए सिंचाई विभाग को भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी उपलब्ध कराएगा। अधीक्षण अभियंता एकादश मंडल संतोष कुमार सिंह के अनुसार ऊपर के निर्देश के बाद ड्रेन निर्माण का आगण अंक तैयार करने का निर्देश अधिशासी अभियंता रजनीश गौतम को दिया गया है। गौतम ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम का खाका खींच लिया गया है। यह दो हिस्से में होगा, एक लगभग 16 किलोमीटर तो दूसरा लगभग 8 किलोमीटर लंबा है। इसके निर्माण से भविष्य में एयरपोर्ट को जलभराव से बचाया जा सकेगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।